गीता के 378 पेज पे मैं पहुंच चुका हूं और इसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं, तेसा मेवानु कंपा अर्थ महा महाज्ञान जम तम नास यात्मा यात्मा भावस्तो ज्ञान दीपेन भाष्वता। इसका अर्थ हुआ, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। यानी जो हम पे कृपा, जो हम पे विश्वास करता है, जो हमारी पूजा करता है, मैं उसके हृदयों में वास करता हूँ, उसके दिल में, उसके हार्ट में रहता हूँ और उसके ज्ञान के प्रकाश को फैला देता हूँ, ज्ञान उसे देता हूँ, ज्ञान का प्रकाश उसे मिल जाता है और उसके अंधकार को दूर कर देता हूँ, उसके अंधकार को दूर कर देता हूँ। परम ब्रह्मा परम धाम पवित्र परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्य मा दतिवेजम विभूम आहिश्वृश्यम सर्वदेव निर्ष नारदस्तता अस्ति देवलो व्यास स्वम चेव ब्रविषि मे। तो ये सब बात सुन के अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं, माने एक प्रकाष्ठा जिसको बोलते हैं, हाइट ऑफ रिलीजन, हाइट ऑफ गॉड, हाइट ऑफ प्यूरिटी और हाइट ऑफ ट्रूथ, आप ही हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम ज्ञान हो, परम पवित्र आप ही हो, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। तो आप नित्य और दिव्य हैं, सूरज का प्रकाश आप ही हैं, हवा आप ही है और आदि पुरुष अजन्मा जो कभी जन्म लेता हो वो भी आप ही हो। नारद आसी देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं। बोलता नारद जो हुआ, देवल हुआ, व्यास हुआ, ये जो ऋषि हैं ये आपकी पुष्टि करते हैं कि आप हो इस तरह और अब आप स्वयं मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो मैं ये सब तो जानता हूँ और आप स्वयं आप हमको ये सब बता रहे हैं, ये आप, ये तो मैं पहले से जानता हूँ, ये परम ऋषि लोग बता चुके हैं। सर्व मेतद्रितम मन्या यन्मा अवदसी केशव ना ही ते भगवा अन्यत्व वेदु देरवा ना दानवा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णता सत्य मानता हूँ। जो भी आप हमको बता रहे हैं उसे मैं पूर्णता सत्य मान रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। आपका स्वरूप जो है देवतागण भी नहीं समझ सकते और आपका स्वरूप जो है दानव भी नहीं समझ सकते हैं। स्व या मेवा आत्मा माना वे तथा त्वम पुरुषतम भूत भावनम भूतेश देव देव जगत पते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरागति शक्ति से जानने वाले हैं। आपकी जो शक्ति है वो असीम है, उसका कोई अंत नहीं है, अनंत है और ये शक्ति आप ही जानते हो। वक्तु महर्षय अस्य शेषना दिव्या हार्मते विभूतया यार भी भूता भिर्लोका कानिमा शांतवा व्यापय तिष्ठ तिशी। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपनी उन देव्य ऐश्वर्य को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो आप बोल रहे हैं कि आप तो सब कुछ हम जान रहे हैं, आप परम ज्ञान हो, परम सत्य हो, आप सब कुछ हो, लेकिन आपके अंदर में
वो जो देवीय शक्ति है जिससे आप तीनों लोक में वास करते हो, वो चीज़ को आप बताइए। तो आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।